अस्सलामु अलैकुम। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो मैंने ITU का टेस्ट दिया था उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो इस वीडियो में मैं हर चीज़ डिस्कस करूँगी टेस्ट से रिलेटेड। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अहम होने वाली है। तो बेसिकली मैंने BSCS का टेस्ट दिया था ITU के लिए। तो जो उन्होंने हमें शीट्स दी थी, यानी जिसके क्वेश्चन पेपर जो था, उसके अलावा उन्होंने हमें कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं दी थी कि जिस यानी कि जिसके रफ़ स्पेस जिसके ऊपर हम MCQ सॉल्व कर सकें, उसी शीट के ऊपर हमें MCQ सॉल्व करने थे। लेकिन वो स्पेस काफ़ी थी कि हम वहाँ MCQ इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओवरऑल टेस्ट जो था वो ना तो इतना इजी था और ना ही इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट, जैसे कि ECAT लेवल का तो बिल्कुल नहीं था। अब जैसे कि इन लोगों ने लिखा हुआ है पैटर्न में कि FSC की बुक्स में से होगा टेस्ट और एनालिटिकल होगा, हमारी दफ़ा भी ऐसे लिखा हुआ था इन्होंने टेस्ट पैटर्न में कि एनालिटिकल होगा और FSC की बुक्स के टॉपिक्स लिखे हुए थे, लेकिन टेस्ट सारा FSC की बुक्स में से बिल्कुल नहीं आया था। इनफैक्ट जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे FSC की मैथ के नस्बत, और जो FSC की बुक्स में से क्वेश्चंस आए थे वो एक कुछ क्वेश्चंस मैट्रिसेस वाले चैप्टर में से आए थे, जैसे कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ था और उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना था। इसके अलावा कुछ MCQ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले चैप्टर में से थे, और जो कि फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक में है चैप्टर, और कुछ MCQ सेकेंड ईयर की मैथ की बुक में से वेक्टर्स वाले चैप्टर में से भी थे। ये तमाम चीज़ें मैंने डिटेल से डिस्कस की हुई हैं एक वीडियो में जो कि मैंने प्री मेडिकल वाले बच्चों के लिए बनाई थी, वो आप सब लोग जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन कर दूंगी। उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कि कौन से चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं, यानी कि जिन चैप्टर्स में से MCQ आए थे, तो वो आप लोग जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर एनालिटिकल रीजनिंग की बात की जाए तो एनालिटिकल रीजनिंग में जैसे कि NTS टेस्ट में एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन आता है प्रॉपर, उसमें एक पैराग्राफ दिया होता है और उसके अलावा उसमें से कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो वैसे एनालिटिकल वाले क्वेश्चंस ऐसे नहीं आए थे। और वो क्वेश्चंस जो आए थे एनालिटिकल वाले पोर्शन में, वो कुछ जैसे कि सेट का मैथ जो होता है उस टाइप के थे। तो आप लोग अगर सेट मैथ गूगल पर सर्च करें और उसको सॉल्व करें तो मेरे ख्याल से वो आप लोगों का पोर्शन सॉल्व हो सकता है। तो वो इतने इजी भी नहीं थे और इतने ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं थे, लेकिन आप लोगों को उस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो ओवरऑल मैथ का सेक्शन था उसके लिए आपको उसको क्लियर करने के लिए आप लोगों को अपने मैथ के कॉन्सेप्ट्स अच्छे करने पड़ेंगे, मैथ के जैसे कि फार्मूलाज वगैरह और कुछ और जो मैथ की बेसिक चीज़ें होती हैं वो सब आप लोगों को आनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सब क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूंगी।